Hello friends, welcome back to my channel Tunes and Travelogues. This is Sachin. I warmly welcome you all. अभी मैं हूँ लद्दाख में, लेह लद्दाख. ये almost 10,000 feet के ऊपर है और मैं अभी एयरपोर्ट से उतरा और एक कैब बुक किया. मैं वो कुछ अपडेट्स देता हूँ. तो पहले बैग रखते हैं. ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं. तो भैया ये किडनैप वाली गाड़ी क्यों? ओमनी? इसमें तो किडनैप होती है वो पुराने मूवी में. सो लेट मी गिव यू फ्यू इंफॉर्मेशन अबाउट लेह लद्दाख एयरपोर्ट. यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड के कारण में थोड़ा ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है. तो एयरपोर्ट में ही स्मॉल पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है. 399 रुपीज 5 लीटर वाला ऑक्सीजन सिलेंडर. देन यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी अवेलेबल है. सबका फिक्स प्राइस ऑलमोस्ट सबका फिक्स प्राइस है 450. तो ये था इनिशियल अपडेट्स. दिस इज माई सोलो ट्रिप और मैं थोड़ा प्रिपेयर होके ही आया हूँ कि मुझे क्या क्या घूमना है. देखते हैं. यहाँ से मेरा होटल है ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर. 5-6 किलोमीटर है ना. दिस इज लद्दाख एंड आई एम फाइनली एट लद्दाख. दैट टू सोलो ट्रिप. मेरे मम्मी जब ये वीडियो देखेंगे मुझे बहुत डांटेंगे. झूले, वेलकम. झूले, ओके. इन लद्दाखी वेलकम इज कॉल्ड झूले. और कुछ बताएं भैया लेह के बारे में. अभी क्या बताएं, अभी सीजन ओवर होने वाला है बस. अच्छा सीजन ओवर है. हाँ ये तो है ही. सारे होटल्स भी खाली हैं अभी क्योंकि वो मीटिंग मीटिंग आता है ना वो वाला खुला देते हैं बस. सर्दियों में क्या रहता है सर्दियों में यहाँ पे वही टूरिस्ट आते हैं जो चादर ट्रैक के लिए आते हैं. चादर ट्रैक एक टफेस्ट ट्रैक है इंडिया का और फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पे. उस टाइम पे जिस होटल में हीटिंग है, हीटिंग वेंटिलेशन है, वहाँ पे ही वही सिर्फ खुला रहता है ना. वही पहाड़ी ऊपर मोनेस्ट्री क्या वो? कौन सा मोनेस्ट्री है? बेल्ट लगानी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं अभी देखेंगे. इधर पुलिस मैं लगाऊं? नहीं चलेगा. चलेगा ओके. अच्छा रेल का स्टेशन सर पर ओके. क्या भालू वाला कुत्ता है यार. ये देखो यार वेलकम के लिए. अरे डर मत यार भाई. झूले के लिए. झूले. ओके भैया थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. अभी हम जा रहे हैं हमारे गेस्ट हाउस. रहला गेस्ट हाउस. हम देखते हैं गेस्ट हाउस कैसा है. तो ये मेरा रूम है. छोटा सा रूम है. काफी क्यूट सा रूम है. मेरा बेड, टीवी और ये मेरा वॉशरूम. ओके मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है. मैं हाइड्रेट पानी पीऊंगा और सो जाऊंगा चुपके से. सिंसियर एडवाइस. डे जीरो इन ले 3-4 घंटे सोना है. एयरपोर्ट से आने के बाद 12 बजे मैं लगभग रूम पे पहुंच गया था एयरपोर्ट से. उसके बाद मुझे 3 घंटा सोना पड़ा. ये हाईली रिकमेंडेड है. जब आप पहुंचे हैं लेह पे आपको थोड़ा रेस्ट लेनी है. हो सके तो सो ही जानी है पूरी. 3 things यू हैव टू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट वन इज स्टे हाइड्रेटेड. जितना हो सके आप पानी पियो. हाई अल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पर सर भारी भारी लगता है और बहुत से थकान होती है. तो आप खाना चाहे कम खाओ मगर पानी बहुत पियो. सेकंड थिंग अवॉइड अल्कोहल. थर्ड थिंग एक अल्टीट्यूड सिकनेस के लिए एक मेडिसिन आती है डोरोमैक्स. वो अपने पास ही रखना. मुझे भी एक खानी पड़ी सुबह. वो अपने पास ही रखना. जैसे आपको खराब लगे खा लेना मेडिसिन. लेह में मोबाइल नेटवर्क बस 3 ही है. एक है एयरटेल पोस्टपेड, दूसरा है BSNL पोस्टपेड, तीसरा है जियो पोस्टपेड. अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा.
बैटर आप पोस्टपेड पे कन्वर्ट करा लो या कोई पोस्टपेड सिम अरेंज करवा लो। सो क्या बोलते हैं भैया इसको? हाँ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे। तप्तन। और वो ब्रेड को इसको कुलचा, इसको तप्तन। अच्छा इसको ऐसे सुखा ही खाता है? नहीं इसको चाय के साथ। अच्छा चाय के साथ। अच्छा चलिए आपके पास चाय भी है? ओके यहाँ से खरीद के वहीं पे बेचते हैं तो मुझे नीचे ही खाने के लिए मिलेगा। ओके काफी अलग टाइप का लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इंडिया में हूँ। तो मेरी इस ट्रिप में शायद पंगोंग और नुब्रा नहीं कवर कर पाऊंगा, तीन दिन में भला कितना ही घूमूं। देखता हूँ क्या करता है, इसमें परमिट लेना पड़ता है पंगोंग और नुब्रा के लिए। लेट्स सी। कोई नहीं आप मार्केट को। दिस इज मेन लेह मार्केट। द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन लेह इज हैव अ हॉट कप ऑफ टी। मैं करा लिया था, टैक्सी वाला था उसको बोला उससे। बैग में अभी रेंट ले रहा हूँ और इसी में ही मैं कवर करूँगा रॉयल एनफील्ड हिमालयन। टायर कंडीशन अच्छा है, स्मोक भी विजिबल नहीं है, मतलब इंजन भी सही है और मैंने टेस्ट ड्राइव ले लिया इसका, ब्रेक भी सही है। अब देखते हैं। भैया पेट्रोल पंप नीचे लेफ्ट राइट। अब चलते हैं हॉल ऑफ फेम जो कि है लेह एयरपोर्ट के पास। बंद हो गया है। सर बंद हो गया क्या? बंद हो गया? कितने टाइमिंग क्या है सर? आज तो 24 है सर। अच्छा 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 कल खुलेगी? कल का भी गारंटी नहीं है। अच्छा 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 तो ऐसा है हॉल ऑफ फेम भी बंद है और गारंटी नहीं कि कल ये खुली होगी कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट अभी जाऊंगा शांति स्तूपा, क्या बता वो भी बंद हो जाए। अभी डायरेक्ट चलते हैं शांति स्तूपा। स्तूपा की टाइमिंग क्या रहती है? अच्छा 9 बजे तक। और लेह पैलेस की क्या टाइमिंग रहती है? अच्छा बंद हो जाती है। ओके फाइनली मैं पहुंच गया शांति स्तूपा। टेम्परेचर है 2 डिग्री यहाँ पे। मैं कांप रहा हूँ हैंड ग्लोव्स खोल देने के बाद, सुन पड़ जा रहे हैं हाथ।
6 बजे देखो अंधेरा हो चुका है पूरा, तो ले पहले सभी बंद हो गई होगी और हॉल ऑफ फेम भी मैं जा नहीं पाया, वो भी बंद थी आज। तो मेरा डे जीरो में बस यही शांति स्तूपा ही कवर हो पाया। साढ़े छः बजे शांति स्तूपा में लिटरली यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और पूरा अंधेरा हो चुका है। अकेले आप खुद अपना फोटो खुद ही खिंचवा रहे हो, तो इसमें ही कुछ थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी सोलो ट्रिप इज समथिंग आप जाओगे तभी आपको पता चलेगा। अब थोड़ा चलते हैं लेह मार्केट में, कुछ खाएंगे। आज ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत हुई, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा एक बैग, ताकि इसमें मैं कल अपना वाटर बॉटल ले सकूं और ये सेल्फी स्टिक ये सारे रख सकूं। आज एक्चुअली मुझे दिक्कत हुई सारा चीज़ को एक साथ लेने आने में, तो मैंने सोचा कि ये बैग लेना स्मार्ट डिसीजन होगा। तो चलो कोई नहीं, एक बैग ले लिया हम यही सुपर मार्केट से। तो यहाँ मैंने कुछ स्नैक्स लिया अपना, ब्रेड पकौड़ा और चाय। अब चलते हैं रूम, रात को अगर भूख लगेगी तो करेंगे डिनर रूम पे। फिलहाल का सर दर्द हो रहा है, अभी मैं प्लान करूँगा कल मुझे क्या करना है, तो बाकी का अपडेट कल सुबह।